मैं समझा था कि पूरी क्लास की तरफ से इनविटेशन है, नहीं जानता था आपका पर्सनल इनविटेशन है। मेरे पर्सनल इनविटेशन से क्या प्रॉब्लम है आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। सामिया, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, आई एम सॉरी। नहीं, अगर कुछ मसला है तो आप चली जाएं बाहर। नो सर, आई एम फाइन, सॉरी। सिट डाउन। थैंक यू। हम शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको झूठ बोल के इनवाइट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप शर्मिंदा हैं तो मुंह से कह देना काफी था, इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं जबान खोलती ना तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता। मसलन? वही जो यूनिवर्सिटी के सारे लड़के सुनना चाहते हैं। मैं आपको पसंद करने लगी। होश में तो हैं आप? इस तरह से आर यू सीरियस? तुमने सर मोमिन से सब साफ साफ कह दिया? हाँ, मैंने तो सब साफ साफ कह दिया और उन्होंने सुन लिया। कोर्स यार, दोनों काम चलते हैं उनके, सुन लिया उन्होंने। मेरा मतलब है तुमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया और तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो रुकी ही नहीं यार वहां, मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। इनफैक्ट मैं फौरन भाग के आ गई। तुम्हें उनके एक्सप्रेशन तो देखने चाहिए थे ना। अच्छी तरह से अंदाजा है क्या एक्सप्रेशन होंगे। तुम भी अजीब हो, वहां से तो ऐसे भाग के आ गई जैसे तुम्हारी उन्होंने जान निकाल देनी थी। यार, जानी तो निकाल देते हैं, बस एक बार देखते हैं और जान निकल जाती है। तुम्हें उनसे वाकई मोहब्बत हो गई है ना? अगर मोहब्बत हर वक्त किसी के सोचने का नाम है या फिर किसी का गुस्सा या डांट बर्दाश्त करने का नाम है तो हाँ, हो गई है माया को मोहब्बत। तो फिर तो तुम्हें उनका जवाब सुन लेना चाहिए था। दे देंगे जवाब, बेचारे पहले शौक से तो निकल आए। तुम्हें क्या लगता है वैसे, वो जवाब दे देंगे? सोच लो, कहीं जवाब ही ना दे दें
ऐसा हो नहीं सकता कि माया एहसान किसी की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए और वो रद्द कर दे। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जीना भी चाहता हो और सांस लेने से डरे। वाओ वाओ, बेस्ट ऑफ लक माया। थैंक यू। स्टिल कांट बिलीव यू। मन यारम मन जानम।